राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुमोटोमो कंपनी का डेनिटोल कीटनाशक। तो सुमोटोमो कंपनी का जो डेनिटोल कीटनाशक आता है, इसके अंदर कौन सा टेक्निकल दिया गया है, कौन कौन से कीटों पर ये कंट्रोल कर लेगा, क्या इसकी डोज रहेगी, क्या इसकी कीमत रहेगी, कॉम्बिनेशन हम इसके साथ इसका किस किस के साथ कर सकते हैं, साथ ही साथ रेनफास्ट एक्टिविटी क्या है और कितने दिन का इसका रिजल्ट टाइम है और कीमत इसकी क्या रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं सुमोटोमो कंपनी के डेनिटोल कीटनाशक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर कौन सा टेक्निकल हमें देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको फैन प्रोपेथ्रीन 10% ईसी फॉर्म में देखने को मिल जाता है। ईसी का मतलब इमल्सी फाइबर कंसेंट्रेट रूप में ये आपको देखने को मिल जाता है। यह किसान भाइयों एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक का मतलब होता है एक साथ कई सारे कीटों पर ये कंट्रोल कर लेता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रोग के लिए बनाया गया है, एक ही कीट के लिए बनाया गया है। जितने भी कीटों के नाम, जितने भी रोगों के नाम आगे मैं आपको बताने वाला हूं, उन सभी रोगों पर, उन सभी कीटों पर इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक साथ कई सारे कीटों को मार सकता है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसके कार्य करने का जो तरीका है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों किस तरीके से मारता है। तो इसका जितने भी पत्तों पर, जितनी फसलों पर आप इसका स्प्रे करते हैं, उन फसलों को यदि कोई भी रस चूसा कीट खाता है, चूसता है, जैसे कि गुलाबी सुंडी होगी, गुलाबी सुंडी पर तो किसान भैया इसका आप ऐसे मान सकते हैं कि नंबर एक का बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। तो जो भी कीट इसके स्प्रे खाए किए हुए पत्ते को या फसल को खाता है, उसके पेट में पहुंच करके उसके पेट के नर्वस सिस्टम को यह ब्लॉक कर देता है और उसके बाद उस कीट की मृत्यु जो है बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। बात करता हूँ कौन कौन सी फसलों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग आप कपास में कर सकते हैं, क्योंकि कपास में ही गुलाबी सुंडी होती है और गुलाबी सुंडी के लिए महाकाल के रूप में कार्य करता है। दूसरा, टमाटर में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, मटर में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, मिर्च में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बैंगन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और आगे जो मैं कीटों के नाम आपके बताने वाला हूँ, वो कीट आपके किसी भी फसल में यदि लगते हो तो उनमें भी आप इसका उपयोग करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल करके देने वाला है। बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा और लंबे टाइम पीरियड वाला ये कीटनाशक होने वाला है। जो जापानी कंपनी है सुमोटोमो, इसका किसान भाइयों ये आता है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से रोगों पर, कौन कौन से कीटों पर इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसका रिजल्ट आपको गुलाबी सुंडी पर बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा, लीफ होपर पर इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, पिंक वॉल वर्म पर इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, अमेरिकन वॉल वर्म पर इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, प्लांट बक्स पर इसके अच्छे रेट आपको देखने को मिलेंगे, एफिड पर इसके अच्छे रेट मिल जाएंगे और जैसिड पर भी किसान भाइयों इसके अच्छे रेट आपको देखने को मिलने वाले। तो इतने सारे रोगों पर, इतने सारे कीटों पर ये आपको अच्छे रेट निकाल करके दे सकता है। बात करते हैं इसकी रेनफास्ट एक्टिविटी की। यदि इसका आपने अभी स्प्रे किया और आपने इसके अंदर चिपको या फिर शैम्पू का इस्तेमाल किया है, तो 4 घंटे के बाद यदि बरसात होती है तो भी ये आपको अच्छे रेट निकाल करके देगा। यानी कि इसकी रेनफास्ट एक्टिविटी लगभग 4 से 5 घंटे की रहती है। बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट टाइम की कि इसका रिजल्ट टाइम कितना है। आज स्प्रे करेंगे तो लगभग आपकी फसलों को 13 दिन से लेकर के 15 दिन तक इन सभी रोगों से, इन सभी कीटों से बचा करके चलता है। उसके बाद यानी कि 15 दिन के बाद आपको इसका दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा, तभी ये आपकी फसल को आगे के लिए सुरक्षित रख पाएगा। यदि रोग लगने से पहले आप इसका स्प्रे करते हैं तो ये आपकी फसलों को 80% तक कवर करके चलता है और यदि रोग लगने के बाद आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी फसलों को लगभग ये 60 से 65% तक कंट्रोल कर लेता है। तो कोशिश करनी है कि आप इसका जो उपयोग है वो प्रिवेंटिव में ही करें, रोग लगने से पहले करें। और गुलाबी सुंडी यदि आपके खेत के अंदर है तो इसकी जो डोज है वो थोड़ी सी डोज आप बढ़ाएंगे तो ये प्रिवेंटिव में भी आपको लगभग 90% तक के रिजल्ट निकाल करके दे सकता है। बात कर लेता हूं उसकी डोज की कि इसकी कितनी डोज हमें लेनी चाहिए। तो 1 लीटर पानी के अंदर आपको लगभग 2 से 2.5 ml जो हमारा डेनिटोल कीटनाशक है इसकी मात्रा आप लेंगे और इसका स्प्रे करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट ये निकाल करके देगा। यानी कि यदि आपको लगता है कि 200 लीटर पानी की आपको आवश्यकता है तो आपको लगभग 400 से 500 ml डेनिटोल कीटनाशक को डालकर तब इसका स्प्रे करेंगे, अच्छे रेट ही निकाल करके दे सकता है। बात कर लेता हूं इसकी कीमत की कि आखिरकार इसकी मार्केट में कितनी कीमत चल रही है। तो इसका जो 1 लीटर का पैक है ये कहीं पर 650 का, कहीं पर 700 का और कहीं पर 750 के रेट में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि लगा करके 650 रुपए से लेकर के 750 रुपए के आसपास इसकी कीमत आपको मार्केट में देखने को
मिल जाएगी। बात कर लेता हूं इसके कॉम्बिनेशन की। किसी भी कीटनाशक के साथ मिला लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी फंगीसाइड के साथ मिला लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी टॉनिक के साथ मिला लीजिए, तब भी कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर मिलाना किसी सिर्फ एक के साथ है। ऐसा ना करें कि कीटनाशक भी मिला लें, फंगीसाइड भी मिला लें और टॉनिक भी आप मिला लें। सबको मिलाएंगे, रिएक्शन करेगा, नुकसान आपका हो सकता है। तो बिल्कुल समझदारी के साथ ही आपको कार्य करना है। तो पूरी जानकारी देने की मैंने कोशिश आपको की है। स्प्रे करने का सही समय शाम को 3 बजे के बाद स्प्रे करेंगे, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और पानी आपको बिल्कुल ही साफ लेना है। उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी।